आज स्टडी करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जो C++ का जो प्लेलिस्ट बन रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है जो यदि आप कॉलेज में हैं, जिसको एग्जाम देना है, जिसको थ्योरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोड या कोडिंग अराउंड, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट बन रहा है जिसमें थ्योरी और कोडिंग दोनों होगा। सेकंड प्लेलिस्ट बनेगा जो केवल कोडिंग अराउंड ही होगा, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कर रहे होंगे कम से कम 500 करेंगे। एंड जो थर्ड प्लेलिस्ट बनेगा वो C++ से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को बता रहे होंगे, जिसके क्वेश्चन लगा रहे होंगे, जो कम से कम होंगे 1000 क्वेश्चन इसमें लगा रहे होंगे। तो पहला प्लेलिस्ट जो थ्योरी और कोडिंग राउंड दोनों ही होने वाला है, ये काफ़ी लंबा बन सकता है। सेकंड प्लेलिस्ट बनेगा सिर्फ कोडिंग राउंड, जिसको कोडिंग ही करना है, जिसको जॉब ओरिएंटेड, जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको इंटरेस्ट है, जो कॉलेज लेवल पे नहीं है। और इसी का ही दूसरा पार्ट बनेगा DSA के साथ, एडवांस प्लेलिस्ट बनेगी। इसमें बनेगा हमारा 1000 क्वेश्चन लगा रहे होंगे DSA के। किसके क्वेश्चन लगा रहे होंगे? DSA के, केवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के, C++ के साथ। और इसमें केवल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन ही लगा रहे होंगे, जो होंगे अपने 500। तो ये दो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिए, क्योंकि इसके साथ ये दो लगाएंगे तो ही आपका कंप्लीट होगा C++ का कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज क्या होता है? एक लैंग्वेज एक मीडियम है दो पर्सन, पहला पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बीच कम्युनिकेट करने का। एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। कम्युनिकेट करना हो गया, फीलिंग शेयर करना हो गया, इमोशन शेयर करना हो गया, कोई थॉट को शेयर करना हो गया, उसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता है, उसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। वो मीडियम क्या क्या हो सकता है? आप इशारे से बता सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप इंग्लिश मीडियम का उपयोग कर सकते हैं, आप हिंदी मीडियम का उपयोग कर सकते हैं। तो सारे मीडियम क्या है? एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने इमोशन, अपने थॉट, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और जब यही काम हमें करना हो कंप्यूटर के साथ, तो हम क्या करेंगे? हमें वहाँ इंग्लिश और हिंदी का उपयोग नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। तो कंप्यूटर अपना 0 1 यानी बाइनरी नंबर को समझता है, और हमें आता है इंग्लिश और हिंदी। और यदि हमें सिर्फ हेलो कहना है तो H के लिए अपना बनेगा 0 1, E के लिए मानेगा 1 0, एंड डबल L के, 1 L के लिए बनेगा 1 1, 1 L के लिए 1 1। तो ये एक लैंग्वेज हो गई जो मैंने ऐसे बता रहा हूँ कि 0 1 1 0 1 1 1 यानी हेलो। तो इस टाइप से यदि हमें कम्युनिकेट करना होगा तो ह्यूमन के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना। तो इस हेलो और इस बाइनरी नंबर के बीच में एक और लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग क्या करता है? आपकी बातों को, जो आप बात कहना चाहते हैं, उसको यहां तक लेके जाता है। और यहाँ पास से यहाँ तक लेके जाने के लिए भी क्या होता है? कंपाइलर होता है, ठीक है, जो ट्रांसलेट कर रहा होता है आपकी बातों को। यदि आप हेलो कहना चाहते तो हेलो को 1 0 0 1 1 0 1 1 1 कन्वर्ट करने काम कौन करेगा? कंपाइलर। आप लिखेंगे किसमें? प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी लैंग्वेज को शेयर करेंगे, अपने थॉट को शेयर कर रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ आदेश हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, जिसका उपयोग करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर एक डम मशीन है, एक जैसे छोटा बच्चा होता है जो गधा है या मतलब कुछ भी नहीं जानता, उसके साथ हमें कम्युनिकेट करते हम कैसे कहते हैं? इधर आओ, वहाँ जाओ, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे 2 नंबर को सम करो, 2 + 3 को, टेबल 2 का टेबल बताओ, है ना। इस टाइप से हम कम्युनिकेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पास कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? C, C++, Java एंड Python।
ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ आप सी को क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि सी को रिप्लेस कर दिया सी प्लस प्लस का, सी का ही नेक्स्ट वर्जन सी प्लस प्लस है। तो कौन कौन है, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा, ये बेसिक है, ये आपको कॉलेज में ही बताया जाएगा। इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिमांड है सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़िए, फिर उसके बाद बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में क्या कॉन्सेप्ट है। अक्सर प्रोग्रामिंग और कोडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, लोग इसमें अक्सर कन्फ्यूज हो रहे होते हैं। तो जो कोडिंग होता है ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, और प्रोग्राम भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम डेवलप कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो कोडिंग एक छोटा सा पार्ट है जिसको उपयोग करके एक प्रोग्राम बना, और इसी प्रोग्राम के थ्रू एक बनता है अपना प्रोजेक्ट, वो चाहे यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर। तो एक प्रोजेक्ट है यूट्यूब जो किसके थ्रू बना, कई प्रोग्राम के थ्रू बना, और कई प्रोग्राम किसके थ्रू बने, कोड के थ्रू। कोड क्या होता है, स्टेटमेंट होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। अब बात करते जो कोडिंग होता है, ठीक है, जो कोड होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है प्रोग्राम का, ठीक है। एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट क्या है, कोड। जैसे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का छोटा सा कोड क्या है, छोटा सा पार्ट क्या है, कोड, कोडिंग। और प्रोग्राम किसका छोटा पार्ट होता है, प्रोजेक्ट का। यदि ये प्रोजेक्ट है तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, प्रोग्राम। अब नेक्स्ट चीज, कोडिंग करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो सी हो सकता है, जावा हो सकता है, एंड पाइथन हो सकता है। वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये डीएसए क्या है, इसके थ्रू हम सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको खाना खा लो तो खाना दिखता कैसे है, है ना, आपको सोचना तो पड़ेगा। टू नंबर को सम करना तो कैसे सम करूँ, है ना, टू नंबर को सम करना, एक थ्री एक फाइव, थ्री डंडी खींचो फिर फाइव डंडी खींचो, तो आपने कैसे सोचा। तो ये सोचने की जो शक्ति, जो लॉजिक है, ये देता है अपना डीएसए। तो डीएसए की आवश्यकता होगी आपको प्रोग्राम के थ्रू। कोडिंग को डेवलप करने, कोडिंग के लिए हमें टाइम टू टाइम डेवलप करना पड़ता है अपना स्किल को, और वहीं यही चीज लागू होता है प्रोग्राम में भी, क्योंकि कोडिंग प्रोग्राम का ही पार्ट है। तो इस जहाँ भी आपको यदि अपने स्किल को डेवलप करना, तो धीरे धीरे आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और इसके थ्रू हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एक चीज, यदि लर्निंग नेवर डन विदाउट एरर, यदि आप कुछ चीज सीख रहे हैं तो आप बिना गलती के नहीं सीख सकते। यदि आप गलती नहीं कर रहे, मतलब आप सही तरीके से नहीं सीख रहे, आपका जो ट्रैक है वो सही नहीं है। यदि आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते तो बिना मिस्टेक आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एंड जब भी आप किसी चीज को लर्न करते हैं तो उसके लिए आपको हार्डवर्क, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, फोकस एंड टाइम देना ही पड़ता है। तो यदि आप गलती करने के लिए तैयार है, यदि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, यदि आप फोकस हैं और आपके पास टाइम है, तो ही आप लर्न कर सकते हैं, तभी आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स का होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स का होता है, पहला लो लेवल एंड सेकंड हाई लेवल। लो लेवल क्या होता है, मशीन ओरिएंटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मशीन है वो 0101 को समझता है, तो 0101 जो है उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहा जाता है, जो सीधे कम्युनिकेट कर रहा होता है हार्डवेयर के एलिमेंट से, यानी सीपीयू का, सीपीयू हो गया, है ना, जो माउस हो गया, तो इनसे कम्युनिकेट कर रहा होता है डायरेक्ट उनके एलिमेंट से। और यहाँ रिक्वायर होता है हाईली एक्सपेंसिव नॉलेज। वहीं हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जिसमें हम इंग्लिश, कुछ मैथ, कुछ सैम्बल कंटाइन कर रहे होते, स्टोर कर रहे होते। जैसे यहाँ पर देखिए
इंग्लिश के अल्फाबेट हो गए, ये नंबर्स हो गए, कुछ सिंबल्स हो गए, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इनका उपयोग करके एक हाई लेवल लैंग्वेज बनता है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन के बहुत ज्यादा करीब है 0101, और हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन के ज्यादा करीब है, जैसे जावा, सी, पाइथन। अब तो इन्हीं के बारे में डीपली बात की जाए, जो लो लेवल लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करके मशीन में उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे लो लेवल के अंदर मशीन लैंग्वेज आता है जो 0101 को समझ रहा होता है, इसको हम 01 को नोटेशन भी कहते हैं, बाइनरी नोटेशन। तो 01 को कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? असेंबलर। और यही हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्रोग्राम है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर, डीकंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये तीनों क्या है? ट्रांसलेटर है। और ये भी, ये दोनों ही क्या है? ट्रांसलेटर है, जो क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं आपकी लैंग्वेज को। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती है या फ्रेंच नहीं आता, वो हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए? फ्रेंच में गए। तो उनके बगल में एक ट्रांसलेटर खड़ा होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता है जो फ्रेंच की लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। और वहीं पास फ्रेंच के जो प्रधानमंत्री, उनके पास भी एक कौन होगा? ट्रांसलेटर होगा, जो हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यही काम असेंबलर, कंपाइलर, डीकंपाइलर और इंटरप्रेटर कर रहे होते हैं। अब बात की जाए हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज की, में क्या डिफरेंस है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट होता है लर्न करना, यूज करना, वहीं हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करना आसान होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज 01 का कॉम्बिनेशन और हाई लेवल लैंग्वेज यूजर के पास होता है, तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं जिसको यूज करना इजी है। लो लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कठिन है, क्योंकि सीखना कठिन है तो एग्जीक्यूट करना भी कठिन होगा। यहीं पास हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना इजी है। लो लेवल लैंग्वेज कम टाइम लेगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हो, उतना सीख रहे हो, कितना कठिन है, तो इसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो इसको एग्जीक्यूशन टाइम, यदि एक प्रोग्राम को रन करने में यहाँ 2 सेकेंड ले रहा है, तो यहाँ को कितना लेगा? 5 सेकेंड लेगा। यहाँ असेंबलर ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है, और यहाँ पास कंपाइलर ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है। लो लेवल लैंग्वेज नॉन पोर्टेबल होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली होता है। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये किसी भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको इजीली डिबगिंग करना मुश्किल होता है, वहीं हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली डिबगिंग किया जा सकता है। लो लेवल लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स नहीं होता मेंटेन करना। लो लेवल लैंग्वेज को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, हमने हाई लेवल लैंग्वेज देख लिया, लो लेवल लैंग्वेज देख लिया, लैंग्वेज क्या होता है ये भी देख लिया। अब बात करते हैं हाउ टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपको हिंदी सीखना, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? काखा गाघा अंगा। यदि आपको आपको इंग्लिश सीखना, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? ABCD। यदि आपको मैथ सीखना है, तो आपको 1 से 0 तक की नंबर्स आने चाहिए, आपको प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, ये सब आना चाहिए मैथ सीखने के लिए। वैसे ही आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो आपको क्या आना चाहिए? सी, पाइथन, जावा। अब हमने हिंदी की बात की तो हमारे माइंड में काका गागा आता है, इंग्लिश की बात की तो हमारे माइंड में ABCD आता है, हमने मैथ की बात की तो हमारे माइंड में कुछ ऑपरेशन आते हैं, माइनस, प्लस, इनटू, डिवाइड, और कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं। वहीं हम सी की बात करें, सी प्लस जावा की बात करें, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? यदि सी की बात करें तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारा काका गागा है मान लीजिए, ठीक है। हैज इंक्लूड iostream.h int main print hello world return 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। यदि मुझे आपको हेलो वर्ल्ड कहना है इंग्लिश में, तो मैं HELLO कहूंगा, हेलो, ठीक है, और वर्ड लिख दूंगा। यदि मुझे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू मशीन को, कंप्यूटर कहना है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे ये सब लिखना पड़ेगा, जिसकी बेसिक लैंग्वेज हो गया
ठीक है, जो इसको लिखना रिक्वायरमेंट है। अब मेन काम किससे हो रहा होता है, सिर्फ मेरा उद्देश्य क्या है, ये कहना हेलो वर्ल्ड। तो अपना ये मेन चीज है, बाकी सब हम बता रहे हैं, ये पूरा सी का स्ट्रक्चर है। सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या है, इतना है ये क्या है, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है, जिसका हमें लेना देना नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, हम इसी की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पास क्या होता है, सी का नेक्स्ट वर्जन है, तो पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। हैज इंक्लूड आयुष टीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन काउंट। यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं वो आ गया हेलो वर्ड। यहाँ पास आप माई नेम इज शुभम, माई नेम देव अरुण, कुछ भी कह सकते हैं। रिटर्न जीरो, यानी प्रोग्राम अब खत्म हो गया। यही चीज हमें जावा में करना है, तो जावा में कैसे करेंगे, क्लास ए। तो यहाँ पास जो इतना पूरा है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जावा का स्ट्रक्चर्स हो गया। पब्लिक क्लास ए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट बंद कर देंगे और हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड हम कहना चाहते हैं। पाइथन में कैसे कहेंगे, पाइथन का प्रोग्राम काफी छोटा होता है, इसके लिए इसको सीखना काफी आसान होता है। तो यहाँ पास सिर्फ इतना सा ही एक्स्ट्रा वर्ड है, और यहाँ पास हम क्या कहना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड। आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में स्टडी आप यदि सक्सेस पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मास्टर बन सकते हैं किसी भी फील्ड में। यदि मुझे पैसा चाहिए और यदि मैं गेम खेल रहा हूं, तो आप उस गेम के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन यदि आप स्टडी करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, तो आप उस फील्ड के लेजेंड बन जाएंगे। तो चॉइस आपकी है, आप क्या लेजेंड बनना चाहते हैं या आप मास्टर बनना चाहते हैं। मास्टर बनना चाहते हैं तो सक्सेस होने के लिए पढ़िए, यदि आप लेजेंड बनना चाहते हैं तो सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़िए। जब तक आप किसी टॉपिक से सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आप उस टॉपिक को पढ़िए। अब कोड करके देखते हैं, आपको यदि कोडिंग करना है तो आप कैसे कोड करेंगे। तो मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, मैं सी प्लस प्लस किसी को इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, या आप यूट्यूब में अदर वीडियो के थ्रू भी सीख सकते हैं। आप क्या करिए, गूगल खोल लीजिए, इंटरनेट मोबाइल में भी चलता है, लैपटॉप कंप्यूटर में चलता है। यहाँ पर लिखिए आपको सी सीखना है, कोई बात नहीं। तो मैंने सी लिखा, ऑन सी कंपाइलर। सी कंपाइलर क्या है, ऑनलाइन लिख दीजिए ज़्यादा हो तो, ऑनलाइन सी कंपाइलर, ठीक है। जैसे आपने ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखा, जो सबसे ऊपर आया उसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब ओपन करने बाद आपको सी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल जाएगा, आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये आ गया हेलो वर्ड। अब यहाँ पास मैं हेलो वर्ड नहीं कहना चाहता, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई एम एस एच यू बी एच एम शुभम, आई एम शुभम। तो अब ये यहाँ क्या बोलेगा कंप्यूटर, हेलो आई एम शुभम, ठीक है। आप जो भी कहना चाहते हैं अब यहाँ के थ्रू कह सकते हैं। यदि आपको C++ सीखना तो C++ ऑनलाइन कंपाइलर लिखिए, या फिर यहाँ पास भी दिया हुआ है, इसी में सब दे दिया, काफ़ी कंपाइलर दिए हुए हैं। यहाँ पास देखिए इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया आयुष टीम। तो एक प्रोग्राम आप शुरू से लिखिए, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे आई एम एस एच यू बी एच एम शुभम। अब मैं यहाँ पास शुभम लिख रहा हूँ, अब यहाँ पास प्रिंट होगा शुभम। यहाँ पास और कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये आ गया हाउ आर यू। यदि आप जावा में कहना चाहते हो, जावा कंपाइलर खोल लीजिए, यहाँ पर देखिए प्रिंट है, ये ना यहाँ पास आपका काम था। तो यहाँ पास भी लिख के देखते हैं एक बार, आई एम एस एच यू बी एच एम, आई एम शुभम। अब इसको ओपन किया, रन किया, तो ये कंपाइल हो रहा है। फिर आ गया, काफी थोड़ा इंटरनेट में स्लो है, इसलिए थोड़ा लेट आया था, लेकिन आ गया था। तो कंपाइल होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, तो आप ज्यादा वो नहीं होइए, लगी आई एम शुभम। आप यहाँ पास हाउ आर यू प्रिंट कर सकते हैं। तो
सो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि सी प्रोग्रामिंग के फीचर कौन कौन से होते हैं, सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में जो हैज इंक्लूड लिखा था उसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।